तो आप लोग जानते हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि भैया एक्शन के उभरते हुए नए किंग शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म जवान को लेकर काफी चर्चाओं में है, जो कि भैया अगले महीने की 7 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब जवान से जुड़ी हुई कई सारी जानकारियां लगातार हम लोगों के सामने आने लगी है। तो दोस्तों आज जवान को लेकर एक और बहुत बड़ी खबर हम लोगों के सामने आई है कि भाई सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के साथ में क्या किया है। तो भाई क्या किया है सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के साथ में, कुछ ज़्यादा गलत कर दिया क्या? चलिए हम आपको बताते हैं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आई है भैया जवान को लेकर के, भैया सेंसर बोर्ड ने जवान के ऊपर भी कैंची चलाई है मेरे भाई। यानी भैया इस फिल्म में कुछ ऐसे डायलॉग्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसको देखने के बाद सेंसर बोर्ड ने बोला कि हटाओ इसको बाहर और उसके बाद इसको थमाओ भैया यूए का सर्टिफिकेट। यानी कि भैया 7 जगह ऊपर कैची चली है, यानी कि भैया 7 कैचियाँ चलने के बाद में इस फिल्म को दे दिया है ग्रीन सिग्नल सेंसर बोर्ड ने कि भाई आप अपनी इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए अब पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि भैया सेंसर बोर्ड की तरफ से इस फिल्म को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कुछ काट छांट के बाद। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ चुकी है कि भैया इस फिल्म का टोटल लेंथ कितना होने वाला है। यानी भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म का जो टोटल ड्यूरेशन है वो है 169 मिनट 14 सेकेंड का। यानी कि भैया 2 घंटे 49 मिनट और 14 सेकेंड की ये फिल्म है मेरे भाई, जिसके माध्यम से आप ऑलमोस्ट लगभग 3 घंटों तक सिनेमाघरों में बिजी रहोगे जवान के साथ। तो दोस्तों थोड़ा बड़ा नहीं है, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है कि जिसको लेकर हम ये बात कहें कि भैया ये इस फिल्म में कुछ ज़्यादा हो रहा था, वो ज़्यादा हो रहा था। यानी कि भैया इस फिल्म के साथ में वैसा काट छाट नहीं हुआ है जो कि भैया OMG के पार्ट 2 के साथ हुआ था। छोटे मोटे काट छाट के साथ इस फिल्म को अब ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है यूए के सर्टिफिकेट के साथ भी, आप इस फिल्म को जाकर सिनेमाघर में लगा सकते हो। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको जवान को लेकर क्या लगता है, क्या यह फिल्म सिनेमाघरों में आकर भाई पठान के रिकॉर्ड को और उसके बाद भाई गदर के पार्ट 2 के रिकॉर्ड को चुनौती देते हुए कुछ नया कारनामा रिकॉर्ड बुक के लिए करके दिखा देगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्ण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।